हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं और नोब आ गए हैं एक और फेस टू फेस चैलेंज के साथ। मैप की जो थीम है ना, वो काफी ज्यादा मजेदार है और ट्रैक भी मजेदार होने वाली है, लेकिन सीन थोड़ा खराब हो गया है। नोब आगे निकल गई है और मेरी गाड़ी ना यहाँ पर टकरा गई। वैसे नोब भी टकराई थी और अभी जा रही है वो आगे मुझसे पहले। नोब ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो उसने बहुत गलत सीन क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर फिर से बाजी पलट चुकी है। मैं आ गई हूँ फर्स्ट पे, उसको रास्ता ही नहीं मालूम था कि जाना किधर है। वो जाने लगी थी आगे, बट मैंने अपनी वैन को पीछे मोड़ लिया एम्बुलेंस वाली को और वो पीछे से उछलती कूदती अपनी एम्बुलेंस लेके आ रही है और मैं तो आगे निकल गई हूँ। बस अब नोब से थोड़ी देर में पंगा लेंगी। यहाँ पर ना एक सीन इन्होंने अजीब क्रिएट किया हुआ है, बीच में पता नहीं क्यों इन लोगों ने रास्ता खोल दिया है और जबकि इनको खोलना नहीं चाहिए था। फाइनली मेरे पास गोल्फ कार आ गई है और मेरी गाड़ी डिलीवर हो गई है। नोब लड़क रही है अभी आगे जब तक मैं अपनी गोल्फ कार को लेकर जाती हूँ, क्योंकि नोब से पंगा ना मैं लूँगी नहीं क्योंकि उसके पास है बड़ी गाड़ी और मेरे पास गोल्फ कार है और ये बहुत हल्की गाड़ी है। नोब ना मुझे उछाल देगी और बहुत ज़्यादा मारने वाली है वो इस गाड़ी के साथ तो मुझे, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने मुझे कहाँ से मुझे रोकना है और किस तरीके से रोकना है। तो मैं यहाँ से ओ आई नोब आई नोब ने रिस्पॉन मारा है और मैं रिस्पॉन नहीं मारा, मैं बच चुकी हूँ। नोब लुढ़क गई थी, मैं इस तरफ से आई, नोब ने मुझे देखा, मेरी तरफ आ रही थी जैसे बिल्ली चूहे की तरफ दौड़ती है। ओ माय गॉड, फाइनली मैं बच चुकी हूँ और अभी नोब फिर से मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी को मालूम ही नहीं है कि रिस्पॉन ही सही से गाड़ी नहीं होती है इतनी जल्दी। तो मैं तो निकल रही हूँ, अब नोब ना मेरे पीछे पीछे आ रही होगी। नुबड़ी को ना अब थोड़ा सा प्रो होने की कोशिश करनी चाहिए पर वो कोशिश ही नहीं करती है, हरकतें थोड़ी सी अजीब है उसकी, फिर पीछे रह जाती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हुआ, मैं तो बहुत अच्छा खेल रही थी। अच्छा जी, तो मज़ेदार रैंप है बट ये बीच वाला सीन थोड़ा सा खतरनाक है, गिर भी सकती है गाड़ी मेरी भी। नुब की तो एक अलग ही बात है बट मेरी भी गिर रही है और अभी आने वाला है मेरे पास ट्रक और यहाँ पर ना कुछ अजीब ही सीन है गाइस। यहाँ पर ये जो बूस्टर लगे हुए ना, किस लिए लगे हुए पता ही कुछ नहीं, गिरना मत। अब है नोब के पास गोल्फ कार्ट और मेरे पास है वेंटम वेज। अब मैं नोब के साथ क्या करूँगी, इसको तो पता होगा अच्छी तरीके से अब किधर जाएगी ये लड़की, अब नहीं बचेगी। मैं इंतज़ार करूँगी तेरा, आजा, गिरने से पहले आ जाइयो मेरे हाथों गिरियो, अब नहीं जाने दूँगी तेरी, लुढ़का दूँगी गाड़ी, छोटी सी कागज़ के जैसी गाड़ी ना तेरी, उड़ा दूँगी मैं हवा में। ओ माय गॉड, मज़ेदार सीन था, नोब को मैं उड़ाए उड़ाए जा रही थी हवा में। कितनी सी गाड़ी है नोब की, बिल्कुल ज़रा सी। क्या कर क्या रही है ये पागल लड़की, कर क्या रही है, क्या इसको इसने इसके ऊपर कोई रस्सी लगाई हुई है जिससे ये हवा में इसको रखे जा रही है। ओ माय गॉड, मैं इसका इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं इसको आगे ही नहीं जाने जो रही हूँ, कर रास्ता रोक के खड़ी हुई हूँ। फैंटम वेज कितना आराम से रास्ता रोक सकता है, आराम से गोल्फ कार्ट इतनी सी है, वो मुझे धक्का मार रही है, उसको लगता है कि वो मार सकती है, उसको लगता है कि इतनी कोई औकात है गोल्फ कार्ट की कि वो फैंटम वेज से पंगा ले। ओ माय गॉड, वो पीछे से जाएगी उसे पता है मैं नीचे गिरा दूंगी, आगे से जाएगी तो भी गिरा दूंगी, तो वो इतनी चलाके कि बीच में अपनी गाड़ी को रख के बैठी हुई है कि मुझे, मैं उसको गिराऊं ना। और अब तो ओ उसने पीछे कर लिया और मैं थोड़ा सा आगे करके उसे प्रेशर से मारने ही लगी थी, उसने फटक से गाड़ी पीछे कर ली। ओके, अब गाड़ी लेकर जा रही है आगे, उसको लगता है वो मुझसे बचेगी और ऐसा मुझे ओ कैसा उड़ाया उड़ाया, मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी एक मौका मिले, बट वो बहुत अच्छे से बचाव करने की कोशिश कर रही थी, कभी गाड़ी पीछे कर रही है कभी गाड़ी आगे कर रही है, बेचारी तड़प रही है कि बस बच जाए, गिरे ना, डिलीवर कर दे कर दे, किस तरह से तड़प रही थी, मिन्नतें कर रही थी और मैंने उसे बचने नहीं दिया, नीचे गिरा दिया। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं थी क्योंकि फैंटम वेज था मेरे पास और ओ ये क्या हो गया, दोबारा से गाड़ी को रिस्पॉन किया, मैं खुद से गिर गई थी।
इतना बड़ा होल बना दिया उन्होंने, गाड़ी को तो ऑब्वियसली गिरना ही है। और बहुत ही बड़ा सीन है ना यही वाला। और मुझे जो इरिटेट करती है ना चीज़, वो मैं पहले ही बता देती हूँ, नोब लोगों के लिए तो इरिटेटिंग सारी चीज़ें ही होती हैं, बट जो लोग प्रो होते हैं उनको थोड़ी बहुत चीज़ें इरिटेट करती हैं तो बता देते हैं। तो मुझे बीच वाला जो ये सीन इन्होंने क्रिएट किया है ना, ये बड़ा इरिटेट कर रहा है। और यहाँ से गिरने का गाड़ी का बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो भी तेज़ लाने पर। नोबो फिर से गोल्फ कार्ट लाई है और अब एक बार और इसको मैं तो हो यार बूस्टर दब गया। नहीं नोब रुक जा, जाना मत, मुझे और मारना है, अभी और मारो। दोनों ही बच गए, ओके कोई भी नहीं गिरा। आजा बाहर जल्दी से, इसकी गाड़ी फंस गई है लगता है, इसकी गाड़ी नहीं निकल रही। निकल गई निकल गई निकल गई, मेरे लिए निकली है कि मैं इसको अच्छे से मार सकूं, खुद से ना ये गिरे। इसको बताती हूँ मैं, अभी भाग रही है, किधर भागेगी किधर भागेगी, निकल निकल यहाँ से। फिर से भागने की कोशिश कर रही है, सेम जो ओ, ओ मेरी गाड़ी गिरेगी। पर नोब के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो मेरी गाड़ी गिरा सके, बिल्कुल नहीं गिराने दूंगी मैं उसको, चल गिर जा। ओ अपनी गाड़ी ऊपर ले गई, कितनी तेज है वो। आओ गाइस, बहुत अच्छे से बचा रही है वो अपनी गाड़ी को। और ओप्स, ये सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम बनाया है ना इन्होंने ट्रैक के ऊपर, ये बहुत ही जहर लग रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैफिक पुलिस वाले जो टुल्ले होते हैं ना, ये उनके लिए रूम है। निकाल, ओ मैंने गिरा दिया। दो बार मैंने जैसी कोशिश की ना, दोनों बार मैं कामयाब हुई हूँ। अगर मेरी जगह नोब होती ना, कभी भी नहीं गिरा पाती, कभी भी। जब ही मज़ा आता है जब तक मैं उसे अच्छे से नहीं गिराती हूँ ना, तब तक मुझे सुकून और चैन नहीं आता है। और अभी फिर से आ रही है, ओप्स क्या बात है, कितना गोल घूमी हूँ उसके बावजूद गाड़ी मैंने डिलीवर कर दी है, क्या बात है। फाइनली बग्गी आ गई है मेरे पास और नोब आगे जा रही है। जल्दी से बग्गी को लेकर जाते हैं वरना वो पहुँच जाएगी। पहुंच गई तो मुझे मौका नहीं मिलेगा उसको मारने का। तीसरी गाड़ी है जो मैं उसको गोल्फ कार्ड के साथ, जो मैंने मस्तियां की है ना उसके साथ, और सारी गाड़ियां मेरी अच्छी थी, फैंटम वेज के बाद बूस्टर गाड़ी भी अच्छी थी, उसके बाद बग्गी अच्छी आई है, लेकिन नो पहुंचने वाली है। ओ नो, एक मौका मिल जाए ना मुझे। ओके डिलीवर कर दिया उसने बग्गी, बग्गी से मारने का मौका नहीं मिला मुझे। ओ माय गॉड मम्मी, खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मौका नहीं मिला है, और मौके मिल जाएंगे, दूसरी गाड़ी ले आएगी। बट गोल्फ कार्ड के साथ तो जो मज़े लिए मैंने उसके, मज़ा आ गया, क्योंकि वही सबसे हल्की गाड़ी है इस रेस की, सबसे हल्की गाड़ी हो फाइनली मेरे पास आ गई है, स्पोर्ट्स कार, बड़ी बढ़िया गाड़ी, और फटाफट से डिलीवर हो जाएगी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। ये मज़ेदार सीन क्रिएट करती है, फटाफट पहुँच जाती है। मुझे गाड़ियाँ ना वही अच्छी लगती है जो बस जल्दी से आए, फास्टली पहुंच जाए। और ये नोब लेकर आ रही है पेंटम वेज, और उसने सोचा हुआ होगा मुझे तंग करेगी क्योंकि मैंने आज उसको छोड़ा ही नहीं, बहुत मारा मैंने उसे, बहुत ज़्यादा। अब मेरे पास आ गई 5 रिग्रेट ट्रक, और नोब जल्दी से पेंटम वेज डिलीवर कर दे वरना नोब मेरी ना होलिया बिगाड़ देगी, क्योंकि उसने डिसाइड किया हुआ है कि वो मुझे मारेगी। और मैंने उसको पहले अलर्ट कर दिया था कि बेटा कोई रहम करने वाली चीज़ ही नहीं है। अभी मैंने, ओ वापस आ गई, गई नहीं ये लड़की, ओ इसके पास फैंटम वेज था, कहती है मैं लेकर ही नहीं गई थी, इंतज़ार कर रही थी और पीछे से वापस आ रही थी। अच्छा जी क्या बात है, ओह माय गॉड, मुझे मारने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं, जाल, ओ मुझे गिराया जा रहा है, मुझे गिराया जा रहा है, मुझे गिराया जा रहा है, ज्यादती हो रही है मुझ पर, मुझे गिराया जा रहा है, ओह मुझे गिराया जा रहा है। मैं फिर भी निकाल लूँगी नुबड़ी, मैं फिर भी चली जाऊँगी, मुझे गिराया जा रहा है, मुझ पर सियासत की जा रही है। ओके फाइनली नुब रह गई है पीछे और मैं तो आ गई हूँ अपनी 5 रिग्रेट लेके। नुब ने ना ज़्यादा पंगा लेने की कोशिश इसलिए नहीं की, तुमको मालूम है पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको गिराना ही नहीं आता है मुझे, मेरी बात होती तो मैं उसे छोड़ती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, जब तक वो ना गिरे वही गाड़ी लेकर मैं बैठी रहती हूँ। और ये पता नहीं कहाँ अटक गया था,
फाइनली गाड़ी को डिलीवर करते हैं फायर ब्रिगेड। नोब ने थोड़ा सा तंग किया, टाइम वेस्ट किया बस थोड़ा सा, पर नोब से ना हो पाएगा, हमको ना गिरा पाएगी वो, कभी कभी गिरा भी देती है। आप अपनी एक मजेदार गाड़ी लेकर जाते हैं और ये भी स्पोर्ट्स कार है और काफी तेज चलने वाली है। ओके, आधे रास्ते में ये तो चेंज हो गई, और गोल्फ कार आ गई है नोब ने ना, मुझे बहुत तंग करना है, मुझे बी केयरफुल लेकर जाना है, पर ये गोल्फ कार्ट यहाँ पर डिलीवर हो जाएगी और इसके बाद मेरे पास एम्बुलेंस आ गई है। दो छोटे छोटे रास्तों पर मुझे दो स्पॉट मिले और मैंने डिलीवर कर दी अपनी गाड़ी। आई नोब आई 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 मुझे मारने के लिए आई, पीछे आ रही है, ओई नोबड़ी कहीं की पीछे आ रही है, मेरे पीछे आ रही है। रिस्पॉन्ड करके बैठी थी लेकिन फाइनली फिर से वाइब्रेट आ गई है। और गाइज मेरे पास विनिंग फ्लैग भी आ चुका है, बट नोब तो मेरा इंतजार कर रही है। ओ पागल, चल अपने रास्ते पे जाना, इसको आगे जाना चाहिए लेकिन ये चाह रही है कि मैं आगे जाऊं और ये मुझे मारे, इसने मेरी गाड़ी फिर उल्टा दी है। ये मुझे फायर ब्रिगेड के साथ तंग कर रही है, मैंने इसको गोल्फ कार्ट के साथ किया था, ठीक है इसको मौका मिला है बग्गी के साथ खेलने का। ओके देख लेते हैं हम कितना तंग करती है, मैं भी इसको डिलीवर कर ही दूंगी, कितना भी तंग कर ले वो नुबड़ी है, वो नुबड़ी ही रहेगी फाइनली। ओए यहाँ कोई सीन ज़रूर है बेकार सा, इन्होंने यहाँ पर ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ लगाई है जिससे गाड़ी लुढ़क जाती है या मुड़ जाती है। और फाइनली आ रही नुबारी नुबारी, जल्दी डिलीवर हो जाए नुबारी, फाइनली डिलीवर कर दिया। ओके जीतने वाली गाड़ी हमारे पास स्पोर्ट्स कार है, अब मज़ेदार सीन है, नोबड़ी ना अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। क्या बात है, नोब के पास भी यही गाड़ी है लेकिन नोब उसे काफ़ी पीछे थी और अभी उसे काफ़ी सारी गाड़ियां लानी बाकी हैं, जल्दी से डिलीवर करके आते हैं, मैं तो फर्स्ट पे हूँ, नोबड़ी कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत मज़ा आया नोब के साथ रेस करने में, बड़ा मज़ा आया और फाइनली नोब मैं तो जीत चुकी हूँ, यस मैं जीत चुकी हूँ। और अब नोब को एक्सपेक्टेड करके देखते हैं क्या कर रही हो, 17 सेकंड है उसकी गाड़ी ऑलमोस्ट गिर चुकी थी, दोबारा से लेकर आई है वो और मुझे लगता है इसी को डिलीवर कर देगी, तो इतनी फास्ट जाती है, बट देखते हैं क्या सीन करती है। ओके उसके पास आ गई है वापस से मज़ेदार गाड़ी, एम्बुलेंस नहीं है फाइब्र ग्रेड है और DNF हो गया उसका, और ये उसके लिए खतरनाक विनिंग टॉस है क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रही थी। आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड